प्रवीण जी नमस्ते। हाय नमस्ते सर। बराए सर। राइट। प्रवीण जी मुझे बताया गया कि आपकी ट्रेनिंग पहले एथलीट बनने के लिए हुई थी, आज आप ओलंपिक में तीरंदाजी के लिए देश को रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं, ये बदलाव कैसे हुआ? सर पहले मैं एथलेटिक्स करता था, तो मेरा सिलेक्शन गवर्नमेंट के एकेडमी में एथलेटिक्स के लिए हुआ। तो वहाँ के कोच थे, तो मेरा बॉडी थोड़ा कमजोर था उस टाइम, तो वो बोले कि आप दूसरे गेम में अच्छा कर सकते हो। तो उसके बाद मुझे आर्चरी गेम दिया गया, तो उसके बाद मैंने अमरावती में आर्चरी गेम कंटिन्यू किया। अच्छा, और इस बदलाव के बावजूद भी आप अपने खेल में कॉन्फिडेंस और परफेक्शन कैसे लाए? सर मेरा एक्चुअली घर से इतना मतलब अच्छा नहीं है, मतलब थोड़ा फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, तो मेरे सामने मुझे आपके पता। माताजी पिताजी दिख रहे हैं मुझे, मैं उनको भी हाँ सर। नमस्कार करता हूं। हाँ, तो प्रेम बताइए। मुझे पता था घर जाके मुझे भी मजदूरी करनी पड़ेगी, इससे अच्छा तो यहाँ मेहनत करके आगे कुछ अच्छा करना है, इसलिए मैंने इसमें कंटिन्यू किया। देखिए, आपके बचपन के कठिन संघर्ष के बारे में काफी जानकारी ली है, और आपके माता पिता ने भी यानी जिस प्रकार से पिताजी दिहाड़ी मजदूरी से लेकर आज देश का प्रतिनिधित्व करने तक की यात्रा बहुत प्रेरणादायी है, और ऐसे कठिन जीवन आपने बिताया है, लेकिन लक्ष्य को कभी अपने आंखों के सामने से हटने नहीं दिया। आपके जीवन के शुरुआती अनुभवों ने चैंपियन बनने में आपकी क्या मदद की? सर जहाँ मुझे खुद कम मतलब लगता था कि यहाँ थोड़ा ज्यादा मुश्किल है, वहां मैं यही सोचता था कि अभी तक जितना भी किया अगर यहाँ हार मान जाऊंगा तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, इससे अच्छा कि ज्यादा और कोशिश करके इसको सफल करना है। प्रवीण जी, आप तो एक चैंपियन है ही, लेकिन आपके माता पिता भी मेरी दृष्टि से चैंपियन है। मेरी इच्छा है कि माता पिता जी से जरा बात करूं मैं। नमस्कार जी, आपने नमस्कार। मजदूरी करते हुए अपने बेटे को आगे बढ़ाया, और आज आपका बेटा ओलंपिक में देश के लिए खेलने जा रहा है। आपने दिखा दिया कि मेहनत और ईमानदारी की ताकत क्या होती है। अभी आप क्या कहना चाहेंगे? चाहते प्रवीणला पुढे जावं, खेळून प्रवीणच्या पाठीमागे चार मुली आहेत, ते सुद्धा त्यांनी जाऊन पुढे प्रवीण सारखं ऑलिम्पिक घेऊन यावं। वाह, प्रकृती बरी आहेत ना? हा बरे। बरी आहेत। देखिए, आपने साबित कर दिया है कि अगर कुछ करने की चाह हो तो परेशानियां किसी को रोक नहीं सकती। आपकी सफलता से ये भी स्पष्ट हो गया कि ग्रास रूट स्तर पर अगर सही चयन हो तो हमारे देश की प्रतिभा क्या नहीं कर सकती। प्रवीण, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं है मेरी, और फिर से एक बार आपके माता थैंक पिताजी को भी प्रणाम है, और जापान में जमकर खेलिएगा।